लेक्चर में हम बॉन्ड की फोर्थ टाइप और लास्ट टाइप देखेंगे, दैट इज मेटैलिक बॉन्ड। और जैसे कि इसके नेम से स्टम से ही पता चल रहा है कि जो बॉन्ड मेटल्स में फॉर्म होता है, जैसे मेटल्स में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर रहे होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। जैसे अगर हम सोडियम की एग्जाम्पल्स कंसिडर करें तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, जो लास्ट में वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम सोडियम एटम ड्रॉ करते हैं तो सोडियम एटम के हम 3 शेल्स बनाएंगे, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला तो न्यूक्लियस होगा, उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, और थर्ड शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, और लास्ट वाले में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, ये इजीली मूव कर सकता है, लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, क्योंकि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं, तो जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ग्रुप 1A प्रेजेंट होता है, ग्रुप 2A प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इस तरह से ब्लॉक बना हुआ होता है, इस तरह से अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, तो ये जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ईजिली इनमें से रिमूव हो सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाते हैं, इसलिए मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। जैसे अगर इस सोडियम को हम बहुत सारे सोडियम एटम अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस को शो कर रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस लिखे हुए हैं, जैसे ये नेगेटिव है, उसके बाद यहाँ अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव ड्रॉ करते हैं तो फिर उसका आगे नेक्स्ट नेगेटिव ड्रॉ कर रहे होते हैं, इस साइड पर नेगेटिव होता है, इन पॉजिटिव चार्जेस का जो ये पॉजिटिव सेंटर्स हैं प्रोटॉन्स न्यूक्लियस, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम हम लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पे ही, और ये मूव भी करते हैं, तो इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है ये पूल क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का, इसको कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। जो मेटल्स में इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसको कहा जाता है मेटैलिक बॉन्ड, ठीक है। और इन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन की बेस, और मोबाइल क्यों है, जैसे अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम यहाँ पे थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें तो उन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इनकी प्लेस ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते चले जाएंगे, तो इतनी सी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती चली जाएगी,